और मेरठ में एसी चोरी करते पकड़े गए दो लोग, सीसीटीवी की मदद से इन्हें पकड़ा गया है। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी कर दी। तो आप देखिए, एसी की चोरी कर रहे थे लेकिन नजर उसी दौरान इन पर पड़ गई और फिर ये पकड़े गए। तो मेरठ की तस्वीर है जहां पर एसी की चोरी कर रहे थे लेकिन सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी की। महाराजगंज में आपत्तिजनक वीडियो का विरोध करने पर हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या के केस दर्ज कर 5 को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। तो महाराजगंज में आपत्तिजनक वीडियो का विरोध करने पर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि पहले आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं और विरोध करने पर हत्या कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी करने पर पता चला है कि कल इनका एक विवाद हुआ था, मेर बांधने को लेकर के कुछ इनका विवाद चल रहा था, इसी में आज ये दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। अभी जो चोटिल व्यक्ति है उसके परिवार जनों के प्रार्थना पत्र पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें पूरे प्रकरण की जांच कर ले और जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल शूटआउट केस में। शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल सामने आया है। साबरमती जेल से अतीक अहमद ने गुर्गो से रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब रंगदारी एंगल को भी फोकस कर रही है। तो उमेश पाल कांड में एक नया मामला सामने आया है और शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल मिला है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी और उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस अब रंगदारी के एंगल पर भी फोकस कर रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि साबरमती जेल से किस तरीके का खेल चल रहा था। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गे ने मांगी थी रंगदारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइन जुड़ गए। मोइन, ये क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जो उमेश पाल का शूटआउट केस हुआ था उसमें 9 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ लगभग खाली है। ऐसे में अब पुलिस तमाम एंगल पर छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है कि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था तो आखिरकार क्यों माफिया अतीक अहमद ने जेल से रहकर उमेश पाल की हत्या कराई। उसमें पुलिस के हाथ कुछ 2 पुराने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, 2 पुरानी FIR लगी हुई है जो उमेश पाल और उसके करीबी ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ ही साथ गुर्गों के खिलाफ कराए थे। उसमें 1 FIR खुद उमेश पाल ने दर्ज कराई थी ठीक 6 वारदात के ठीक 6 महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था कि वो अपनी एक जमीन पर निर्माण कराने जा रहे थे, तभी जो है वहाँ कुछ गुर्गे पहुंचे और उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दो, नहीं यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। तो उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में कर दी थी और ठीक इसी तरीके से उमेश पाल के एक करीबी सूरज से बरेली जेल में बंद अशरफ के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी। बिल्कुल, और अब ये भी एक एंगल आ गया है। शुक्रिया आपका मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।